तथागत गौतम बुद्ध जी के पावन चरणों में श्रद्धा का सदुक सुमन अर्पित करते हुए विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इस बहुजन समाज को राजनीति का ख्वाब दिखाने वाले बहुजन मसीहा बहुजन नायक मान्यवर कांसी राम साहब पेरियार लैसी यादव जी पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर जी ज्योतिबा फूले जी माता सावित्रीबाई फूले जी वीरंगाना उदा देवी पासी जी सही बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु गुरु पुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पे उपस्थित समस्त बहुजन समाज को मैं इनकलाबी क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज अगर हम आज का भी न्यूज पेपर अगर उठा करके देखें तो निश्चित ही उसमें ये लिखा होगा कि बहुजन समाज के दलित वर्ग के ओबीसी वर्ग के समाज के ऊपर कहीं रेप कहीं हत्या जरूर हुई होगी। ये इतिहास है, इस भारत देश का इतिहास है, ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि यहाँ पे हमारे समाज के लोगों के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार होता रहता है। इसका कारण क्या है? मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा था अगर हम सत्ता में होंगे तो कोई भी हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा, और इस बहुजन समाज ने इसको देखा भी है। जब उत्तर प्रदेश में चार बार बहुजन समाज की सरकार बनी, माननीय मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तो हमारे ऊपर अत्याचार करने वाले, हमें सदैव नीचा दिखाने वाले, हमें लाठी डंडों से मारने वाले बड़े बड़े गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। आप विकास कर देखिए तो सही, आज वही फिर जरूरत है, फिर पूरे बहुजन समाज को एक मंच बनाने की जरूरत है, और उसी बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने की बात है, ताकि फिर से हमारे ऊपर अत्याचार ना हो। जैसे कि हम यहाँ सुना करके देखे भी हाल ही में इलाहाबाद में श्रद्धापासी कांड हुआ, श्रद्धापासी कांड हुआ, इलाहाबाद के जो साथी होंगे वो जानते होंगे, अल्ताफ की हत्या होती है, मनीषा की रेप करके फिर उसको रातों रात जला दिया जाता है, क्यों अत्याचार होगा? क्योंकि उस देश की शासन सत्ता पर ऐसे लोग काबिज हैं, जो आरएसएस कंपनी के लोग हैं, जो बहुजन समाज को दिन पर दिन बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, तो हमें उनसे मुकाबला करना पड़ेगा, हमें राजनीति में भागीदारी रखनी पड़ेगी, राजनीति में उतरना होगा। हमारे जैसे युवा जब राजनीति में आते हैं तो अपना राजनीतिक करियर बनाने नहीं आते हैं, वो अपना करियर बर्बाद करके इस समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करते हैं। हम अपने सभी युवा साथियों से कहना चाहेंगे कि आप करिए, मन घर से बाहर निकलिए तो सही। मैं चार लाइनें अपने युवा साथियों के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, सताए यद बिना मतलब तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर दाम घटते हैं, न बिकने का इरादा हो तो हिम्मत और बढ़ती है। सम्मानित साथियों, आज हम इतिहास का अगर देखे माननीय बहन जी का, जब सहारनपुर हत्या में सबीरपुर कांड हुआ था तब बहन जी को विधानसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा था, जब बहन जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था तब माननीय बहन जी राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, लात मार दिया से पद को कि मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जहाँ पर जिस वर्ग से मैं आती हूँ उस वर्ग के अधिकारियों के लिए अगर हम बोल ना सके, उसकी लड़ाई हम लड़ ना सके, तो हम सलाम करते हैं ऐसी बहन को। और सम्मानित साथियों, आज हमारे समाज अच्छे ओबीसी समाज के जो हर वर्ष सांसद और विधायक बन के जाते हैं वो उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं, चाहे हम इतिहास राम विलास पासवान जिस दुनिया को छोड़कर चले गए, माननीय उदित राज जी हैं, ऐसे लोग जो समाज को दिशा और दिशा से भ्रमित करने का काम करते हैं, कहीं कांग्रेस में जाते हैं, कहीं भाजपा में जाते हैं। सम्मानित साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में भारत देश में ओबीसी का आरक्षण 22% जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है वो क्या कहते हैं 2008 में लागू हुआ, जबकि कई बार इसके पहले इस भारत देश की शासन सत्ता पर कांग्रेस की सत्ता आई है लेकिन उन्होंने ओबीसी को आरक्षण देने का काम नहीं किया। जो हमारे मन संचालक महोदय का आदेश आ गया तो मैं ज्यादा अधिक शब्दों का सहारा नहीं लूंगा, क्योंकि इधर हम इधर से अपनी बातें रखेंगे, इनके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। यही सब अपनी बात को समाप्त करते हुए क्रांतिकारी जय हिंद।